हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लव टेंशन समझते हो। दोस्तों, एक बार फिर मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ जो DSSB लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है जो 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो उसका क्या ये क्वेश्चन पेपर है, और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करवा दिया था। इसके आगे जो बचा था उसका आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ तक हो पाएगा आज। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूँ। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने करवा दिया था, आज का स्टार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेटेड By an obstructing clot is known as, बोला गया है कि inflammation of vein is complicated by an obstructing clot, मैंने बोला गया है कि obstructing clot की वजह से क्या होता है, वेन में जो है आपका inflammation हो जाता है। ठीक है, clot की वजह से क्या होता है, obstruction and inflammation हो जाता है, तो उस condition को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस condition को हम लोग बोलते हैं mainly ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है। अभी इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बस, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोफिलेवाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इम्बोलस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो होता है क्या है, ये मेनली आपको ज़्यादातर दिखेगा आपको लेग्स, कहाँ दिखेगा, लेग के वेन में। ठीक है, जो लोअर साइड का जो होता है, तो मेनली आपको ज़्यादातर ये लेग में दिखेगा, बट ये जो होता है कभी कभी क्या होता है आपका आर्म में भी देखा जाएगा और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी देखा जाएगा, लेकिन यूजुअली जो तक ज़्यादातर देखा जाता है आपका लेग्स में। ठीक है, और एक जो है आपका आर्म में, हाथ में भी देखा जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी देखा जाता है, और ये क्या होता है कभी कभी सरफेस एंड डीप वेन में भी ये कंडीशन आपका अराइज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डीप वेन होता है उसमें क्या होता है, इसका क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेनस थ्रोम्बोसिस। और क्या है, और एक है आपका इम्बोलस, और सॉरी इसका सी नंबर तो बता ही दिया, बी नंबर क्या है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है, इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रोम्बस। इसके बाद क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी इम्बोलस। इम्बोलस में क्या होता है, आपका आर्टरी में जो होता है ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो होता है आपका शरीर में जब इन्वेट करते हैं उसके कारण क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आर्टरी में, ठीक है, कहाँ पे, तो आर्टरी में, और या तो एयर बबल्स के कारण क्या होता है वहाँ पे क्लॉट जैसा फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है, इसके उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बोलस। क्या बोलते हैं, इम्बोलस। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका आर्टरी में जो है फॉरेन बॉडी इन्वेट होने के कारण क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, या तो एयर बबल्स के कारण क्या होता है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बोलस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं नस में, वेंट्स में, उस समय इंजेक्शन से क्या क्या जाता है, एयर बबल्स को क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए, क्योंकि नहीं, यदि आप एयर बबल्स को बाहर नहीं निकालेंगे और इंजेक्शन लगा देंगे वेंट्स में तो वो क्या हो जाएगा, वो एयर बबल्स जो है कहीं ना कहीं जाकर आपका वेन में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जिसके कारण क्या होता है, यदि वेन में जाकर अटक गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और ह्यूमन को क्या हो जाएगा, डेड होने का खतरा रहता है। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी आप इंजेक्शन लगाएं वेन में तो एयर बबल्स को बाहर निकाल दें। ठीक है, इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो बोला गया है कि देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यदि आप लोग एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आप देखेंगे इस वीडियो को तो
क्या पूछा गया है कि देर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। कितना पेयर्स का होता है क्रैनियल नर्व्स, तो 12 पेयर्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि इन एबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज कॉल्ड एज। बोला गया डिम लाइट में यदि जो देख नहीं पाता सही से उसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, कलर या प्रेस मायोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और यदि पूछ दिया जाए कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ क्या होता है, विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और क्या कंडीशन एराइज होता है, आपको उस समय बताए थे जीरोप्थेल्मिया बोल के कंडीशन होता है, वो भी एक क्या होता है, एराइज होता है। ये सारे के सारे चीज़ याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बहुत बार पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए के कारण क्या होता है। ठीक है, तो जीरोप्थेल्मिया भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या है 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बोला गया प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमैक इज कॉल्ड एज। डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्टोमैक में क्या कहलाता है, यही पूछा गया। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमैक इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर बी लिम्फ, ऑप्शन नंबर सी कैम, ऑप्शन नंबर डी बोलस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बोलस। क्या हो जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलस। ठीक है, तो बोलस क्यों, अब मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना जो होता है पचना कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे मुंह से ही हो जाता है। ठीक है, कहाँ से होता है, हमारे मुंह से। जब जैसे हम लोग खाना एंटर करते हैं मुंह में, तब वहीं से क्या होता है, खाना डाइजेस्टिव होने लगता है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है आपका हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्च का जितना भी डाइजेस्टिव होता है कहाँ पर होता है, मुंह में ही होता है, बाय द एक्शन ऑफ मास्टिकेशन। हम लोग जितना चबाते हैं भोजन को, और जितना भी लार के साथ जो होता है वो मास्टिकेशन होता है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ से आपका डाइजेस्टिव स्टार्च का डाइजेशन होना, मैकेनिकल डाइजेशन बोल सकते हैं, स्टार्च का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, क्या होता है, जैसे जैसे चबाते हैं क्या होता है, सलाइवा के साथ क्या होता है, वेटिंग यानी कॉन्टैक्ट होते जाते हैं, और वो क्या होता है, गीला हो जाता है। ठीक है, और इस लिक्विड में होता है सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल करके क्या होता है, सलाइवा में आ जाता है, जिसको उसमें सलाइवरी क्या होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, और जो कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से ये निकलता है, जो स्टार्च को क्या करता है, डाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से डिसेक्रेशन होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से होता है। ये क्या करता है, तो ये स्टार्च का डाइजेशन करने में हम रोल निभाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, सलाइवा में म्यूकस भी रहता है, जो क्या करता है, आपका म्यूकस रहता है जो क्या करता है, फूड के साथ जो क्या करता है, सलाइवा लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, जो हमारे मुंह में फूड रहता है उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, और क्या है, और उसमें क्या करता है, पीएच वहाँ पे जो है, तो जो भी क्रिया होते रहता है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शन होते रहता है, उसमें पीएच जो है मेंटेन रखता है, कि एल्कलाइन पीएच जो है एल्कलाइन कंडीशन में रखता है, क्योंकि
एमाइलेज जो होता है एल्कलाइन कंडीशन में ही अच्छा से वो वर्क कर पाता है, ठीक है, इसीलिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब भी भोजन करते हैं तो डाइजेशन जो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम लोग मस्टिकेशन करते हैं वैसे वैसे ही आपका खाना का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहाँ से स्टार्ट जो होता है वहाँ से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ एमाइलेज सॉरी सलीवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, जो क्या करता है स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है डाइजेशन ऑफ, तो वहीं से होता है, कहाँ से, माउथ से। वही बोला गया है कि आफ्टर, वही बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमक इज कॉल्ड एज, क्या बोला है तो उसको बोलस कहा, उसी को बोलस ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ये होता है कि मस्टिकेशन और स्टार्च का डाइजेशन के बाद फूड क्या होता है हमारे इसोफेगस के थ्रू क्या होता है, जैसे हमारे सलीवा में क्या होता है मिक्स होता है, तो क्या होता है एक गोल टाइप का होता है, राउंड से और सब क्या होता है एक जगह इकट्ठा होता है, कलेक्ट हो जाता है, तो एक साथ ही क्या होता है हमारे इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है एक गोला टाइप बन करके, तो उसी को क्या बोला जाता है, बोलस कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आफ्टर अंडरगोइंग मस्टिकेशन एंड स्टार्ट डाइजेशन द फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल एंड राउंड राउंड वाज कॉल्ड एज बोलस, ठीक है। ये इसका क्या है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बोलस। इसके बाद क्या है कि विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल, अभी मैंने शायद इसी वीडियो में पहले बताया था कि विटामिन ए के कारण क्या होता है, डी के कारण क्या होता है, ई का कारण नहीं बताया था मैंने और के का भी कारण नहीं बताया था, ठीक है। तो अभी मैं सभी फिर से सभी को बता देता हूँ सभी का। तो इसमें क्या पूछा गया है कि विटामिन, क्वेश्चन नंबर क्या है 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल, ठीक है, तो किस विटामिन को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं ये पूछा गया है। तो इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, इसे पार्ट वन में था, ठीक है, अभी मैं फिर इसे यहाँ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ विटामिन ए है, विटामिन ए का कि विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, या रेटिनॉल कहीं कहीं रेटिनोलिक एसिड भी बोला है, लिखा रहेगा, ठीक है, तो जिन दोनों में से कोई एक रहते हो आप मार सकते हैं इसका चिन्ह, ठीक है। और अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि विटामिन ए की डिफिशेंसी होने के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं इम्पेयर्ड विजन, वो भी बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस का एक टर्म भी होता है, ये भी कहीं कहीं लिखा रहेगा आप ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं नेक्टालोपिया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस को एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं नेक्टा, ठीक है, नेक्टा लोपिया बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नेक्टर लोपिया, किसका, ये नेट ब्लाइंडनेस का एक टर्म है, ठीक है। और क्या होता है विटामिन ए की डिफिशेंसी होने का कारण जीरोथेलमिया होता है, क्या होता है, जीरोथेलमिया होता है। और क्या होता है, और इसमें क्या होता है व्हाइट ट्रेंगुलर शेप का एक क्या होता है हमारे आंख के अंदर क्या होता है एक स्पॉट बन जाता है विटामिन ए की डिफिशेंसी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बिटॉट्स स्पॉट, कहीं कहीं आपको पूछ सकता है कि बिटॉट्स स्पॉट जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिटॉट्स, स्पेलिंग भी लिख देते हैं बिटॉट्स स्पॉट, ठीक है, ये भी क्या होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण ही होता है। तो कहीं क्या आपको दिया रहेगा कि बिटॉट्स स्पॉट जो होता है किसके कारण आपको देखने को मिलेगा, तो आपका आप उसको बोलेंगे बिटॉट स्पॉट जो होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण क्या होता है वहाँ पे होता है। और क्या होता है क्रिएटो मलेशिया भी एक क्या होता है एक कंडीशन है जो विटामिन ए की डिफिशेंसी होने के कारण ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विटामिन ई के ऊपर, तो विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए का जो ई का जो आपका रासायनिक नाम है उसका क्या बोलते हैं हम लोग, टोकोफेरॉल बोलते हैं, या तो ये भी दो से तीन भाग में इसको भी बांटा गया है, जैसे कि अल्फा टोकोफेरॉल भी बोल सकते हैं, बीटा टोकोफेरॉल होता है, गामा होता है और डेल्टा टोकोफेरॉल होता है। ऐसे ये सब क्या है अलग अलग कैटेगोरीज में क्या हो गया डिवाइड कर दिया गया है। और यदि पूछ देगा कि इसका सोर्स क्या है, तो प्रेजेंट ये जो है विटामिन ई जो है मिल्क में रहता है, बटर में रहता है,
एलमोंड में रहता है, नट में रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है, पपाया में रहता है, स्वीट पोटैटो में रहता है। ये सारे सारे क्या है, इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपका विटामिन ई आपको इसके इससे ये सब खाने से आपको जो है पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में क्या रहेगा, ये चीज रहेगा। ठीक है, तो विटामिन ई के कारण क्या होता है, आप सभी लोगों को, यदि कुछ लोगों को तो पता होगा, जिसको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, हमारे मसल्स में जो होता है कुछ चेंजेज आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन का प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, स्किन विटामिन ई की कमी से, इसको हम लोग विटामिन ई के कारण क्या होता है, हमारा शरीर का स्किन जो होता है एकदम चिकना हो रहता है, ठीक है, ठीक ठाक रहता है, हेल्दी रहता है हमारा स्किन। ठीक है, इसीलिए विटामिन ई को और क्या नाम, इसका नाम से जाने जाते हैं, शायद स्वीटी विटामिन के नाम से ही जाता, ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन ई को। और दूसरा नाम क्या है, ब्यूटी ब्यूटी विटामिन बोल के भी इसको जाना जाता है। ठीक है, विटामिन बोल के, ठीक है, विटामिन ई को क्या, ब्यूटी विटामिन भी बोल के जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, विटामिन क्या है, के, विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन है। क्या नाम है विटामिन के का, नाम विटामिन के का नाम जो है नेप्थोक्विनोन है, नेप्थोक्विनोन है, क्या है, नेप्थोक्विनोन है। ठीक है, और इसका जो है विटामिन के का जो है आपका डायट्री सोर्स जो होता है मेनली आपका टोमेटोज, कैबेज, स्पिनेच एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल होता है, जिसमें क्या होता है आपका विटामिन के का सोर्स होता है। ठीक है, ये सबका देखिए, विटामिन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार वीडियो, आप जाकर देखिएगा, हो सकता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब कारण होता है, और विटामिन के डिफिशेंसी होने के कारण क्या होता है, तो आप सबसे पहले आप समझ लीजिए, विटामिन के जो डिफिशेंसी है रेयर केस में से होता है, और ज़्यादातर इसमें क्या होता है, विटामिन के डिफिशेंसी होने के कारण ये कोगुलेशन प्रोफाइल में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका, हमारा जिसमें कि देखिए विटामिन, जैसे कोगुलेशन फैक्टर पढ़ाए थे वहाँ पे मैंने बताया था कि विटामिन के जो है के डिपेंडेंट जो होता है 2, 7, 9, 10, ये चार फैक्टर जो हमारे विटामिन के डिपेंडेंट है। यदि विटामिन के डिफिशेंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2, 7, 9, 10 क्या होगा, डिफिशेंसी होगा, कौन सा, कोगुलेशन फैक्टर। तो वहाँ पे ये क्या होता है, ये कोगुलेशन में जो होता है आपका इसका एडवर्सली इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यदि विटामिन के अगर डिफिशेंसी हो तब, ठीक है, और भी इसका डिफिशेंसी के कारण और भी कुछ, और भी बहुत कुछ है जो होता है, तो अभी मैं शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विटामिन डी के ऊपर। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यहाँ पर ऊपर में दिया ही हुआ है, कैल्सी फेरॉल, क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सीफेरॉल। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विटामिन डी के कमी होने के कारण क्या होता है, क्या होता है, रिकेट्स, क्या होता है, रिकेट्स होता है, किसके, विटामिन डी के डिफिशेंसी होने के कारण। ठीक है, और क्या होता है, और भी बताए थे, ऑस्टियोकैल्सेमिया होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप याद रखिए विटामिन के ऊपर से, और वैसे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा विटामिन वाला, तो उसको आप वहां जाकर देख लीजिएगा डिटेल्स में सारे के सारे। अब आते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, फट क्यों रहा है पता नहीं चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ अदर ऑफ द बॉडी इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि एबनॉर्मल टिश्यू के हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी। इसके बाद क्या है, व्हिच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके लिए कौन सा हम लोग फिक्सेटिव यूज करते हैं, पिक्रिक एसिड, ग्लूटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी क्रोमिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हेलिज फ्लूइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लूटल्डिहाइड जो होता है आपका
मेनली हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं किसके लिए, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और भी डिटेल्स जानकारी मैं जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ाऊंगा फिक्सेटिव का चैप्टर, तो वो आपको वहाँ पे, तो ठीक है, मैं जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। और एक और चीज़ है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक तो आपका क्लोरोल्डिहाइड हो गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, और एक क्या हो जाता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है, OSO4, इसका क्या फुल, इसका नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज के लिए हम लोग इस फिक्सेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 25 में, तो 25 में क्या दिया है, विच फिक्सेटिव इज मेनली यूज डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच फिक्सेटिव इज यूज फॉर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोग जो है कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एसीटोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉर्मलिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जंकर सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बोविंस फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि पिछले पूछा क्या पूछा गया है कि एंजाइम को डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोग कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो इसमें सिंपल सी बात है, कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो वैसे हम लोग देखा जाए तो बफर फॉर्मल सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बफर वर्ब फॉर्मल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है फॉर्मल माने क्या होता है, फॉर्मलिन मिक्स रहता है उसमें, नहीं दिया इसका मतलब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, यहाँ पर फॉर्मलिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मलिन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मलिन यूज करते हैं किसके लिए, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम व्हिच गैस इज यूज। फ्रीजिंग माइक्रोटोम में जो होता है हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम में जो हम लोग गैस यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा यूज करते हैं, इसमें से जो यूज करते हैं आपका है आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा है, इसके वाला जो यूज करते हैं वो होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन भी हम लोग क्या करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम में यूज करते हैं, ठीक है। बट आपका मैक्सिमम जहाँ भी एग्जाम में आता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CO2 ही रहेगा, ठीक है। तो लिथियम नाइट्रोजन जो है बहुत कम ही यूज होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27, हुच टेक्निक इज यूज इन हिस्टोलॉजी। कौन सा टेक्निक जो होता है हम लोग हिस्टोलॉजी में यूज करते हैं इमीडिएट डायग्नोसिस करने के लिए, क्या पूछा गया है कि इमीडिएट डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग हिस्टोलॉजी में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए पैराफिन टेक्निक, बी फ्लोरेसेंस सेक्शन, सी सेलोडेंट सेक्शन और डी जेलेटिन सेक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रोजन सेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रोजन सेक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, 28 क्या दिया है, 28 सूडान 4-HTN यूज फॉर टिश्यू बायोप्सी। ये सूडान फोर जो स्टेन है ये हम लोग किस लिए करते हैं, मतलब किसके बायोप्सी के लिए करते हैं, किडनी ब्रेस्ट गॉल ब्लैडर या लंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किसके लिए, तो गॉल ब्लैडर के लिए, ठीक है। वैसे सूडान वी और ऑयलेड ओ जो होता है लिपिड के स्टेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं लिपिड को चेक करने के लिए कि लिपिड है या नहीं है, ठीक है।
इसके बाद क्या दिया है कि लंग्स कैंसर इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ विच स्पेसिमेन। ऑप्शन नंबर ए स्पूटम, बी यूरिन, सी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बायोप्सी, डी सलेवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंग्स कैंसर के लिए हम लोग स्पूटम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो ब्रोंकियल वॉशिंग का वॉशिंग करके उसका सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, तो लंग्स कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 30, वेजिनल स्मियर आर वैल्यूबल फॉर असेसमेंट। इसमें पूछा गया वेजिनल स्मियर आर वैल्यूबल फॉर द असेसमेंट ऑफ, किसके असेसमेंट के लिए वैल्यूबल है। ऑप्शन नंबर ए मैलिग्नेंसी, सी बी इंडोग्रेन डिसऑर्डर, सी हार्मोनल फंक्शन, डी यूटीआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंसी के लिए क्या क्या आता है, ये वैल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफएनएसी यूज्ड फॉर द लेसन ऑफ, एफएनएसी हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, स्किन में, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हम लोग ये सभी में क्या करते हैं, एफएनएसी का इस्तेमाल करते हैं। एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ये आपसे पूछ दिया जाए, पूछता है बहुत बार पूछा गया कि एफएनएसी फुल फॉर्म क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि विच हीमोग्लोबिन डिटेक्टेड बाय सेहलिस मेथड, सेहलिस मेथड के द्वारा कौन सा हीमोग्लोबिन डिटेक्ट किया जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि सेहलिस मेथड के द्वारा ये तीनों के तीनों क्या हो डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्या, ठीक है, कार्बोक्सी सल्फ और मेथ हीमोग्लोबिन, ये तीनों के तीनों डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाता है जो उसमें रिएजेंट हम लोग देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 33, द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन HB इज नोन एज ग्लोबिन पार्ट, आयरन पार्ट, हीम पार्ट या बिलरुबिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीम, हीम पार्ट जो होता है हीमोग्लोबिन में जो होता है कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट, बोला गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, माने ब्लड के कंपोनेंट है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, RBC, प्लेटलेट, WBC या रेटिकुलोसाइट, उसमें सबसे छोटा कौन सा होता है आपका, रेटिक्यूल सॉरी प्लेटलेट होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट का साइज कितना होता है आपका, 224 माइक्रोन। यदि आप हिमाटोलॉजी का पहला थ्योरी क्लास देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कितना होता है इसका, 224 माइक्रोन होता है। यदि RBC का पूछा जाए तो RBC कितना होता है, तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था 7 माइक्रोन होता है, कितना होता है 7 माइक्रोन, कहीं 7.2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको नियर बाय दिया रहेगा उसका आप ऑप्शन में टिक कीजिए, ठीक है। इसका क्या उतना होता है, 7 होता है। WBC का कितना होता है, तो WBC का अलग अलग डिफरेंस है, न्यूट्रोफिल, इसनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि आपको न्यूट्रोफिल का हिंट्स दिया जाए तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल में 10 से 14 होता है, यदि उसी में सबसे ज़्यादा बड़ा, अच्छा WBC का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो उसमें कौन सा होता है आपका, मोनोसाइट होता है। कौन सा होता है सेल, मोनोसाइट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, जिसका होता है 14 से 18 या 12 से कहीं कहीं 16 दिया रहेगा, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट का साइज कितना होता है, तो रेटी का जो साइज होता है आपका 7.5 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो ये इसका सेल का साइज होता है, इसीलिए क्या होता है, प्लेटलेट देखिए 224 माइक्रोन का है, इसीलिए ब्लड कंपोनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो प्लेटलेट है, ठीक है। आज मैं 34 पे ही रखता हूँ, ठीक है,
अगले दिन ये आपका होमवर्क रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रिमूवल ऑफ हाउ मच ml ब्लड रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 ग्राम ऑफ आयरन। कितना ml ब्लड निकलने से 1 ग्राम आयरन जो होता है आपका लॉस होता है। ये हमारा आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आज मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ, बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब लेवल टेक्निशियन। यदि अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।